करेंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया है। जी हां, ये फॉर्मूला मांगा गया था बोर्ड से। सरकार ने हलफनामे में कहा था कि 10वीं और 11वीं के 30-30 फीसदी वेटेज दिया जाएगा, जबकि 12वीं प्री बोर्ड के नंबर से 40 फीसदी वेटेज मिलेगा। कोर्ट में एजी ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को गिना जाएगा। 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को आधार बनाया गया है। इसका फॉर्मूला अब डिसाइड हो गया है। 10वीं 11वीं के 30-30 फीसदी नंबर लिए जाएंगे, जिसमें सबसे अच्छे मार्क्स जिन सब्जेक्ट्स में आएंगे उन्हीं को आधार बनाया जाएगा। 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फॉर्मूला मांगा था। दसवीं और ग्यारहवीं के 30-30% मार्क्स को इसमें शामिल किया जाएगा और इसी आधार पर जो रिजल्ट्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। तो लगातार ये सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहे थे कि जो मार्क्स तय किए जाएंगे नंबर किस आधार पर मिलेंगे, तो उसको लेकर ये तस्वीर अब सरकार के हलफनामे से थोड़ी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो 12वीं के अंकों का मूल्यांकन किस तरह से होगा, स्टूडेंट्स की परीक्षाओं में मूल्यांकन का क्या आधार होगा, उसे लेकर ये अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 10वीं और 11वीं के 30-30 फीसदी नंबर्स के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाएगा। 12वीं के 40% नंबर्स को भी आधार बनाया जाएगा। 30-30-40 ये फॉर्मूला है जिस पर अब 12वीं के रिजल्ट्स आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि सरकार ने अब ये तस्वीर साफ की है कि रिजल्ट्स मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा।